Student, today I am going to teach you how to draw a mother and baby, hen and chicken. तो बच्चों हमने मार्जिन ड्रॉ कर ली है. हम टॉपिक लिखेंगे. आज का टॉपिक है मदर एंड बेबी. अब बच्चों अब हम हैन और चिकन को ड्रॉ करने के लिए उसका स्ट्रक्चर लेंगे कि हैन को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ओवल शेप ड्रॉ करेंगे जिसमें उसका स्टमक ड्रॉ करेंगे. हल्का सा ओवल शेप ले लिया मैंने. यहाँ पे हैन को ड्रॉ करेंगे और चिकन को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे स्मॉल साइज का ओवल शेप ले रहे हैं जिसमें हम चिकन ड्रॉ करेंगे. अब हम मदर यहाँ बेबी ड्रॉ करेंगे. इसके लिए हैन हमने अब बच्चों हम यहाँ मदर और यहाँ बेबी ड्रॉ करेंगे. मदर ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे देखिए ओवल शेप ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें इसका स्टमक बनेगा मदर का. हैन का इसमें स्टमक बनेगा और यहाँ पे फेस ड्रॉ करने के लिए इसका स्मॉल साइज का ओवल शेप ड्रॉ करेंगे. और इस तरह से देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं. इसको नीचे की साइड से हम ज्वाइन करेंगे. और ये नीचे पीछे बैक से ज्वाइन करेंगे. देखिए इसमें इसका फेस ड्रॉ होगा और यहाँ पे इसकी बीक ड्रॉ करेंगे. तो बच्चों देखिए हैन की बीक भी ड्रॉ हो गई है. अब हम इसकी वेटल ड्रॉ करते हैं. देखिए जो रेड कलर का आगे इस तरह से होता है ये हैन के, इसको भी हम ड्रॉ कर रहे हैं. देखिए बिग है और एक स्मॉल. अब हम इसकी आइज ड्रॉ करेंगे. आइज को देखिए हल्का स्मॉल ओवल शेप ड्रॉ करने के लिए हमने स्मॉल ओवल शेप ड्रॉ करा था. ये ड्रॉ हो गया बच्चों. अब हल्का सा ब्लैक शो करने के लिए इसमें हाफ लाइन ये लाइनिंग शो करी मैंने. यहाँ पे ये पूरा हाफ ब्लैक कलर से होगा बच्चों और ये शेड में हमारा वाइट शो करेगा हल्की सी. बस देखिए जरा सी स्मॉल लाइनिंग कर दी मैंने. आइस की डॉटेड शो कर देंगे बाद में. ठीक है अब हम यहाँ पे हैन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये बच्चों हल्का सा कर्व देते हुए क्रॉस क्रॉस इस तरह से ड्रॉ करेंगे. देखिए क्योंकि इसके फैदर होते हैं तो ये प्लेन नहीं लाइनिंग शो करेंगे. लाइनिंग हल्का सा कट करते हुए इस तरह से लाएंगे यहाँ पे. अब हम ऊपर का डिज़ाइन ले रहे हैं. देखिए इस तरह से हमें फैदर को ये बनाने के लिए सारा कर्व में करना होगा. ये डिज़ाइन देंगे हम. अब बच्चों हैन की कलगी ड्रॉ कर रहे हैं. ये भी रेड कलर से होगी. अब हम देखिए हैन का फैदर ड्रॉ कर रहे हैं. और बाद में जो ओवल शेप का है ये हम इरेज कर देंगे इसे. देखिए ओवल जो अंदर का था ये लाइनिंग सारी हम इरेज कर देंगे. ये मैंने फैदर ड्रॉ कर लिया. डॉटेड हल्की सी शेडिंग में भी शो कर देंगे. अब हम इसके लेग ड्रॉ करेंगे इस तरह से हल्की से कर्व करके. टू लैग हमने ड्रॉ कर दिए. अब बच्चों हैन का बेबी चिकन ड्रॉ यहाँ पे करेंगे.
हैंड का चिकन ड्रॉ करने के लिए देखिए ओवल शेप, स्मॉल ओवल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखिए इसका ओवल शेप जो हमने ड्रॉ करता है, पहले हम इसका फेस ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से इसकी बीक ड्रॉ करी मैंने वी बना के, एम एम के शेप में इसका इस तरह स्मॉल सा फेस ड्रॉ करा है। और ये नीचे की तरफ लाइनिंग ले ली है मैंने, टेल हल्की सी, और ये फेस ड्रॉ करते हुए छिक्का इसका चिकन का बॉडी स्ट्रक्चर, चिकन की स्मॉल सी आई सर्किल में ड्रॉ करेंगे एंड फेदर ड्रॉ करेंगे एंड लेग ड्रॉ करेंगे। हम कलर करेंगे, देखिए बच्चों ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग इसका फेदर, इस कलगी को रेड से करना स्टार्ट कर रहे हैं। रेड कलर से हम कलगी को कलर करेंगे, जहाँ जहाँ रेड कलर्स हो रहे हैं वहाँ मैं आपको बता दूँ ये रेड कलर से होगा। और इसकी बीक को भी हम रेड कलर से करेंगे, ये यहाँ पे नेक का पोर्शन है ये भी हम रेड कलर से करेंगे बच्चों। इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे अभी हम। और आपको बता दूँ ये यहाँ पे जहाँ पे पहले पहले रेड कलर्स हो रहे हैं उन जगह पे मैं रेड कलर डाल दे रही हूँ। ये फैदर में इस तरह से शेडिंग करके होगा बच्चों, देखिए ये यहाँ पे फैदर है, इसमें शेडिंग में करके होगा, पूरा कंप्लीट एक साथ नहीं होगा, हल्का हल्का इस तरह से शेड करके करा जाएगा कलरिंग। देखिए यहाँ पे इसके फैदर शो रहे हैं, इस तरह से शेडिंग में कलरिंग करेंगे, ठीक है, स्पॉट स्पॉट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए कैसे हम कर रहे हैं, इस तरह से करेंगे, डॉट डॉट्स डालेंगे यहाँ पे, इस तरह से रेड कलर से हम फैदर को कलर करेंगे। और इसकी हमने यहाँ पे बीक को कलर कर दिया है रेड, कलगी को भी रेड कलर कर दिया है। देखिए अब हम यहाँ पे इसके नेक के पोर्शन को भी ब्राइट कलर से कलर करेंगे। अब फैदर में हल्का सा इसके बॉडी में कहीं कहीं जरा जरा सा रेड का सेट डाला हुआ है, ठीक है, हल्का हल्का सेट डालने के लिए हमने इस तरह से देखिए कलर को फ्लैट ले लिया है और इस तरह से बीच बीच में पड़ेगा। अब हम यहाँ पे रेड कलर हो चुका है हमारा, देखिए हल्का हल्का लगाने के बाद, और हम यहाँ पे अभी येलो कलर लेंगे। येलो कलर करने के लिए देखिए बच्चों हम इसके बॉडी फेस पे इस तरह से येलो कलर स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से हम येलो कलर करेंगे। जो देखिए हमने यहाँ पे येलो कलर करा था, येलो कलर के बाद हमने ये ब्लू कलर से सेट दिया है आपके हैंड पे, हैंड में इस तरह से मैंने सेट दिया है ब्लू कलर से, ओके, ये सारे येलो रेड ब्लू थ्री कलर्स मिक्स करके हमारा ये है मदर एंड बेबी कंप्लीट होने को। और मैंने ब्लू कलर लाइट हल्का सा लेग में भी लगाया है और ब्लैक कलर से देखिए बच्चों इसके लेग ड्रॉ करेंगे हम, ये कलरिंग करेंगे, सॉरी ये ब्लैक कलर से कलरिंग करी है हमने, और यहाँ भी हल्का हल्का ब्लैक कलर लेग पे भी कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नीचे की शेडिंग करेंगे, जो हमारा बेस है यहाँ पे एंड जहाँ पे मदर एंड बेबी जहाँ पे हम खड़ा करेंगे यहाँ पे हम रेड कलर से शेडिंग करेंगे, यहाँ पे स्टैंड है ये शेड, नीचे का बैकग्राउंड हल्का सा शेड करेंगे रेड एंड ब्लू सी, ये देखिए इस तरह से शेड कर देंगे रेड कलर एंड ब्लू कलर। यहाँ भी हल्का सा ब्लू का शेड डाल देंगे बहुत लाइट सा। और बच्चों आपको अच्छा बैकग्राउंड दिखने के लिए हम यहाँ पे ग्रास भी शो कर सकते हैं, इस तरह से लंबी लंबी ग्रास भी शो कर सकते हैं, देखिए इसको डार्क ग्रीन लगाएंगे और इसको हम हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि लाइट ग्रीन से
बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है तो हम इसको डार्कनिंग भी लगा देंगे। ठीक है, अभी आपका मदर एंड बेबी कंप्लीट हो गया है। बच्चों इसकी प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट पीरियड में फिर हम मिलेंगे। ठीक है, ओके।